विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स टांडा अंबेडकर नगर यूपी। कृषि यंत्रों के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम। सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पर 50-60% सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है। संपर्क करें। अंबेडकर नगर की धरती भी ऋषि मुनियों से भरी पड़ी हुई है और यहाँ का भी अपना एक प्राचीन इतिहास है। इसी कड़ी में भारत में ऋषि मुनियों और संतों महापुरुषों के चरणों से पवित्र पावन धरा के अनेक गाथाएं हैं, जिसमें अंबेडकर नगर की पावन धरती पर जिले से 25 किलोमीटर पूर्व दिशा में असरपुर की छौसा नगर पंचायत है, जिसका पूर्व में नाम कमला नगर था। इसी के किनारे से एक नदी बहती है और यहीं पर सिद्ध संत बाबा तर्पणनाथ का मठ प्राचीन मंदिर था, जिसमें तर्पणनाथ जी अवधूत महात्मा प्रकांड विद्वान सिद्ध संत थे, जिनकी यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैल रही थी। संतान की कामना में लोगों की और भी तमाम मनोवांछित फल प्राप्ति होती थी। भयानक रोगों से मुक्ति दिलाने वाले इस मंदिर में जनमानस श्रद्धा से पूजा अर्पण करते थे और कुछ लोग धीरे धीरे यहाँ कर बसने लगे। ये प्राचीनतम चमत्कारी मंदिर है जो जनमानस की श्रद्धा और विश्वास का प्रमुख केंद्र है। कहानी यहीं से शुरू होती है कमला पंडित जी की। इनके पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम ज्ञानमती था, जो निसंतान दंपति थे और गुरु तर्पणनाथ जी की कृपा से इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो आगे चल के कमला पंडित की चारों तरफ ख्यात पहने लगी और लोगों ने इनको कमाल पंडित शुरू कर दिया। क्योंकि यहाँ हर धर्म संप्रदाय के लोगों का आना जाना रहता था, धर्म जात पात से ऊपर उठकर दुन दुखियों की सेवा करना, उनकी मदद करना ही कमला पंडित के जीवन का मूल उद्देश्य था। जीवन पर्यंत इन्होंने और इनके न रहने के बाद इनके आने वाले लोगों का हर प्रकार से कल्याण होता है, क्योंकि दरगाह की चौचा मखदूम शाह और कमला पंडित के बहुत सारे किस्से कहानियां हैं और दोनों बड़े अच्छे और सच्चे संत माने जाते हैं। इसलिए यहां अपनी परेशानियों को लेकर आने वाले लोगों की हाजिरी कमला पंडित के नाम से मखदूम शाह दरबार में लगाई जाती है और तभी उनकी परेशानियाँ दूर होती हैं। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज अर्बन पंचायती। इस समय अम्बेडकर नगर जिले के तहसील टांडा में किछौचा दरगाह में हूँ और यहाँ किछौचा दरगाह में बाबा कमाल पंडित की समाधि है। जैसा कि बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा कि बाबा कमाल पंडित का नाम क्यों, कैसे, और बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे, आसपास के लोग जानते हैं। चूंकि यहाँ की प्रसिद्धि बहुत सारे कारणों से नहीं हो पाई, उसमें सबसे बड़ा कारण रहा कि यहाँ प्रचार प्रसार इस स्थान का बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग, दूर दूर के लोग तो जानते हैं, लेकिन आसपास के लोग बाबा कमाल पंडित के नाम से जो मशहूर हैं और वास्तव में जिनका नाम कमला पंडित था, इनके बारे में लोगों को जानकारी कम है। आइए आज हम इनके बारे में आपको विस्तार से बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि कमाल पंडित के नाम से क्यों, कैसे मशहूर हुए, कब इनका यहाँ आना हुआ और कैसे इस स्थान की महिमा हुई। इतिहासकारों के अनुसार आज से 300-400 वर्ष पूर्व आत्माराम जी और उनकी पत्नी ज्ञानमती देवी थी, उनके ये पुत्र थे और यहाँ पे एक सिद्ध संत हुआ करते थे जिनका जन्म सही लोगों को ज्ञात नहीं है, लेकिन इतिहास में जिस तरीके से जानकारी दी गई है, इतिहास की जानकारी के हिसाब से गुरु तर्पणनाथ जी एक सिद्ध संत थे और उन्हीं की कृपा से कमलनाथ, जो बाद में कमला पंडित और बाद में प्रचलित होने के बाद कमाल पंडित के नाम से मशहूर हुए। समय बीतता गया और बहुत सारी कहानियाँ किस्से यहाँ के हैं। सबसे पहले कहानी तो ये है कि यहाँ पे सिद्ध संत तर्पणनाथ जी जो हुआ करते थे, वो यहीं किछौछा में जहाँ पे मखदूम शाह की आज दरबार है वहाँ पे वो रहा करते थे और उनके कुछ शिष्य थे वहाँ पे, 4-5 शिष्यों के साथ वो वहाँ रहा करते थे। और ईरान से, दूर देश से मखदूम साहब यहाँ आए। उस समय जो बताया जाता है लोगों की जानकारी के हिसाब से, बताने के हिसाब से, उनकी उम्र महज 21 वर्ष थी और 21 वर्ष की अवस्था में वो ईरान से यहाँ भाग के आए थे और उनका राजपाट से अपना मोहमा भंग हो चुका था, इस नाते वो सुकून और शांति की तलाश में चले आए यहाँ पर और उनको ये जगह बहुत पसंद आई और उन्होंने यहाँ पर अपना डेरा जमा लिया। और लोगों ने बताया कि उसके बाद वो 40 वर्षों तक एकांतवास में तपस्या करते रहे, लेकिन जो ज़मीन उनको दी गई और जो यहाँ रहने का स्थान दिया गया वो सिद्ध संत तर्पणनाथ जी के द्वारा उनको दिया गया। तो बात यहाँ आती है कि कमला पंडित जी का आगमन यहाँ कैसे और किन वजहों से हुआ, तो बताते चलें कि आत्माराम जी के ये पुत्र थे, वो निसंतान थे, उनके कोई पुत्र नहीं था और वो बेहद परेशान रहा करते थे। उन्हीं दिनों उनको
तर्पणनाथ जी के बारे में, जो सिद्ध संत थे, उनके बारे में उनको जानकारी मिलती है और वो उनके पास जाते हैं और उनसे अपनी बात रखते हैं। वो संत पुरुष थे, सिद्ध थे, चमत्कारिक थे। उन्होंने उनको ये तो वरदान दे दिया कि ठीक है, जाओ, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, किंतु तुम्हारे यहाँ जो भी बच्चा पहला पैदा होगा, लड़की या लड़का, उसको 5 वर्ष की अवस्था होने पर आपको यहाँ दान देना होगा। एक तरफ पुत्र पाने की आकांक्षा, दूसरी तरफ पुत्र बिछोह पैदा होने से पहले ही मन में इस तरीके का भ्रम, निश्चित रूप से बहुत ही कष्ट उनको हुआ। लेकिन उन्होंने कहा, चूँकि तर्पणनाथ जी अंतर्यामी थे, उन्होंने उनके मन की व्यथा को समझा और उन्होंने कहा, परेशान मत हो, तुम्हारा पुत्र यशस्वी होगा, तेजस्वी होगा, लोक कल्याण के लिए होगा, जन कल्याण के लिए होगा, वो सभी की सेवा भाव करेगा और तुम्हारा नाम हमेशा इतिहास के पन्नों में अजर अमर रहेगा। ये बातें सुन के उनको कुछ सुकून शांति तो महसूस हुई, बहरहाल। और उन्होंने जब पुत्र रत्न हुआ तो उस समय जब 5 वर्ष की अवस्था हुई तो उन्होंने तर्पणनाथ जी को, उस पुत्र को, यानी कमलनाथ, बाद में कमल पंडित और बाद में कमाल पंडित के नाम से जो मशहूर हुए, उनको उन्होंने उसे सौंप दिया। और आज हम वहीं पे खड़े हैं, ये उसी संत की समाधि है जिनको कमाल पंडित के नाम से पूरा देश जानता है, विदेश जानता है। आसपास के लोग भले ही इनकी महिमा से परिचित ना हो, लेकिन दूर दूर जगहों से आने वाले लोगों से हमने तमाम तरीके की बातें की, तमाम सारी बातें हुई, उनको बहुत सारे फायदे हैं। यहाँ आज उनकी इस समाधि स्थल पर हिंदू मुस्लिम, यूँ कह लीजिए कि कोई भी धर्म जात का व्यक्ति इस मंदिर पे, समाधि स्थल पे आता है और उसको पूरा लाभ मिलता है। है जी। तो यहाँ क्यों, कैसे आना हुआ, क्या आस्था है आपके यहाँ से? यहाँ बहुत आस्था हमारी, यहाँ से मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जो मन्नत मांगी जाती है वो पूरा होती है, जो जिसका भ्रम होता है वहाँ बैठ भी जाती है। यहाँ श्रद्धा बहुत जुगत चली आ रही है जी। कितने सालों से आपका आना है यहाँ पे? हम यहाँ 84 साल से हैं। कोई ऐसा वाक्या जो आपके लिए यहाँ से बहुत ही अनोखा और आश्चर्य रहा हो जी, कोई वाक्या है ऐसा? क्या बहुत वाक्या हमारे सामने यहाँ सही हुआ है, बताएं, कोई एक वाक्या बताएं। अरे, आदमी सफ़ेद हुआ तो साक्षात हैं, यहाँ आने से तुरंत गायब हो गया, 2 महीना नहीं हुआ, सारी समस्या यहाँ सहल हो गई, क्योंकि बहुत महिमा है न। क्या ऐसी कोई मान्यता है कि जो यहाँ मखदूम साहब के दर्शन करे और इनके दर्शन ना करे तो उसकी मन्नत पूरी नहीं होती? जी, ऐसा है कि यहाँ जो यहाँ बैठे हैं बाबा, ये दरगाह से ही समीक्षा है, वहाँ जो दरख्वास्त दी जाती है यही बाबा दरख्वास्त लिख कर बाबा के सामने पेश करते हैं। जो भी दरख्वास्त भेजा जाता है दूर से, चाहे घर से, चाहे यहाँ से, यहाँ से दरख्वास्त जो लिखी जाती है इनके नाम से ही वहाँ जाता है दरगाह शरीफ जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वजीर। तो कहाँ से आप आए हैं? यह पटना। अच्छा अच्छा, तो यहाँ इस जगह आने का, चूँकि एक मंदिर है तो आने का जी जी फायदा है जी, कोई घाटा वाली बात नहीं है जी। भगवान को कितना कोई खराब है नहीं, किससे फायदा होता है, लोगों को जब फायदा होता है श्रद्धा होती है तो वो आता है। तो क्या कुछ ऐसी भी मान्यता है कि हज़रत मखदूम साहब बाबा के दरबार में आने के बाद अगर यहाँ के आदमी ज़ियारत ना करे, दर्शन ना करे, तो मान्यता और उसका जो भी मनोती होती है वो पूरी नहीं होती? ज़ियारत करने के बाद सरकार हजरत कमाल पंडित को भी ज़ियारत करते हैं, क्योंकि जितना उनकी मांग है उतना उनकी भी मांग, दोनों बराबर मांग के कला है। तो कोई क्या बोले, कोई एक ऐसा वाक्या बताइए के जो यहाँ से जुड़ा हो। यही है, शैतानी माइका जो है ख़त्म होता है, फायदा है घाटा नहीं है। क्या नाम है आपका? माता जी विद्यावती। विद्यावती, ये बताइए, कमला पंडित जी की समाधि पे आप आ रही हैं? हाँ। कितने वर्षों से आ रही हैं? अब 15 साल। 15 साल। आप लोग को यहाँ आने से क्या लाभ मिलता है? अरे बहुत बहुत, कुछ बताइए। हाँ, बहुत लाभ है, हमारी लड़की तकलीफ रहे ठीक हो गया जी, हम जो मांगे ओका राज्य सरकार कमाल पंडित दिन हमें रोजी दिन, हम कमाई खाई था इनके दरबार से आए से, बाल बच्चा बाढ़ा था, बहुत बहुत कुछ बात है। बुंदेलखंड जिला जालौन कदौरा। क्या नाम है आपका? शिव नारायण। शिव नारायण। तो शिव नारायण जी, ये बताइए, आप कमला पंडित जी की समाधि पर आते हैं और कितने वर्षों से आप आ रहे हैं? नहीं, अभी कई वर्षों से दिखाई नहीं आए, पहली बार आए हैं। नाम सुना यहाँ का जी, गाजी मकसूद साहब का,
दरगाह का, और उसके बाद नाम सुना यहीं पर कमला पंडित जी, तो उनके स्थान पर भी करते आए। तो इनको लेकर आपकी क्या श्रद्धा है, क्या आस्था है? श्रद्धा हमारी आस्था ये है कि यहाँ तक आए हैं तो हमारी मन्नत पूरी जरूर होगी। यहाँ किसी तरीके से किसी को कोई परेशानी नहीं होती, ना ही यहाँ से किसी लाभ के लिए जो यहाँ इस समाधि स्थल पर आते हैं, यहाँ पर जो महंत जी हैं उनके द्वारा या उनके लोगों के द्वारा किसी तरीके की कोई धन उगाही नहीं होती। जो अपनी श्रद्धा से यहाँ जो कुछ भी करते हैं वो आके चढ़ाते हैं, जिनको जो लाभ होता है। यहाँ भूत प्रेत जिस भी तरीके की किसी को कोई दिक्कत समस्या हो, शारीरिक व्याधि होती है, हर बीमारी के लिए यहाँ आते हैं, यहाँ अपनी अर्जी लगाते हैं बाबा के दरबार में। अर्जी लगाने के बाद उनकी मन्नत पूरी होती है श्रद्धा भाव से, जो भी उनको होता है। और अब तक ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे जो अर्जी मखदूम साहब बाबा के दरबार में लगाई जाती है, वो अर्जी यहीं से लिख के मखदूम साहब बाबा के दरबार में लगाई जाती है, तब उसकी वो अर्जी पूरी होती है। यहाँ पे जादू टोना टोटका वाले लोग ज़्यादा आते हैं, ऐसी मान्यता है कि उस दरबार में जो अर्जी यहाँ से लगाई जाती है, उस दरबार के दर्शन करने के बाद, मखदूम साहब बाबा के दर्शन करने के बाद, जो यहाँ कमाल पंडित कमला पंडित की समाधि स्थल पे दर्शन नहीं करता है, उसकी मन्नत पूरी कतई नहीं होती। इसलिए वहाँ जाने के बाद यहाँ आना बेहद ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, बाकी शेष अगले अंक में आपको बताया जाएगा। यूपी न्यूज अर्बन पंचायती से कैमरामैन वर्षिप टंडन के साथ मैं रवि श्रीवास्तव। किसी सेल्स कॉर्पोरेशन निर्माता मिनी राइस प्लांट यूएम स्पेयर पार्ट्स, आधुनिक राइस प्लांट लगवाने एवं बेचने के लिए संपर्क करें मुबारकपुर टांडा अम्बेडकर नगर यूपी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।